नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, दिल्ली शराब नीति के घोटाले में पूछताछ के लिए गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया है। ईडी के सवालों का जवाब देने से पहले केजरीवाल ने कहा कि पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है, इसलिए भी भेजा गया है ताकि मैं 4 राज्यों में होने वाले चुनाव में प्रचार न कर सकूं। नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए। हालांकि आज वे ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान के लिए वे रवाना होने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोपहर में रोड शो करने वाले हैं। कुछ देर में केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली के लिए रवाना होंगे। ऐसे में वे पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं जाने वाले हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी से जेल में बंद हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के अलावा हाल ही में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी का शिकंजा धीरे धीरे आपके कई नेताओं पर गिरता चला जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज ही दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। वहीं आपको इस बात का भी डर सता रहा है कि बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं आपको इस बात का भी डर सता रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के कई शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी की जाएगी। पार्टी ने सीधे तौर पर गिरफ्तारी के लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। इसकी कड़ी में अरेस्ट होने वाले केजरीवाल पहले नेता नहीं होंगे। उन्होंने दिल्ली की सीएम की ईडी के सामने पूछताछ के लिए बुलाए जाने की गिरफ्तारी की बात डर की बात कही है। राघव चड्ढा ने कहा कि ईडी ने 2014 से जितने मामले दर्ज किए हैं उनमें 95% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी परेशान हो चुकी है। उसने गठबंधन के नेताओं को निशाना बनाने की योजना तैयार कर ली है। अगली खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जापान दौरे से दिल्ली लौटने के बाद आज सुबह पटना लौटे हैं। पटना एयरपोर्ट पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जापान की यात्रा सफल रही। पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग यहाँ नौकरी देंगे और बीजेपी लोग फिर से ईडी और इनकम टैक्स के छापे मरवाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने जो कहा था उसको हम लोगों ने मिलकर पूरा किया है। ये जो शुरुआत है ये सिलसिला रुकेगा नहीं। इस सवाल पर कि बीजेपी कह रही है कि पैसे लेकर नौकरी दी जा रही है, इस पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि उन पर भगवान का आशीर्वाद रहे। बीजेपी के लोग जो हैं उनको पता होना चाहिए कि 2 महीने के अंदर लोगों को नौकरियां मिली हैं। विज्ञापन निकला, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, ये प्रक्रिया काफ़ी तेजी से हुई है। उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि एक विभाग जो एक दिन में लाखों नियुक्ति पत्र बांट रहा है तो परेशानी तो होगी ही। बीजेपी के लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। हम लोग जो कहते हैं वे करते हैं। वो लोग जो कहते हैं वो चुनाव तक ही सीमित रहता है। बीजेपी लोग 18 साल सरकार में है, केंद्र से सरकार रही, डबल इंजन की सरकार में क्यों नहीं हजारों को नौकरी दी गई। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर क्रेडिट वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, महागठबंधन की सरकार इसलिए बनी है कि हम लोगों को नौकरी दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देते ही उनके नेतृत्व में बिहार में एक विभाग में इतनी नौकरी दी है। अगली खबर, कथित उत्पादन शुल्क नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को मंत्री और आप नेता राजकुमार आनंद के परिसर में सहित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 12 से अधिक स्थानों पर तलाशी की है। यह छापेमारी 7 करोड़ रुपए से अधिक की सीमा शुल्क और चोरी और अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन देन के लिए आयात की छूट घोषणा के सिलसिले में की गई थी। ईडी के एक सूत्र ने बताया कि पीएमएलए के तहत शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद की तलाशी कर रही है। सूत्र ने यह भी कहा कि डीआरआई द्वारा दायर शिकायत के आधार पर जांच शुरू हो गई है। इसमें 7 करोड़ रुपए से अधिक की सीमा शुल्क चोरी और अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन देन के लिए आयात में छूट में झूठी घोषणा का आरोप लगाया गया है। सूत्र ने कहा कि अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया है। सूत्र ने आगे कहा कि दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर लगभग 12 परिसरों में तलाशी ली जा रही है। इस बीच केजरीवाल को कथित शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने भी पेश किया गया है। अगली खबर, मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलनकारियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कुछ प्रदर्शनकारी बसों पर लगे सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर के काले पोते नजर आए हैं। वीडियो थाने के भिवड़ी का बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की बात की मांग बहुत पुरानी है। साल 1997 में मराठा संघ और मराठा सेवा संघ ने सरकारी नौकरियों और शैक्षण संस्थान में आरक्षण के लिए पहली बार मराठा का आरक्षण का आंदोलन किया था। प्रदर्शनकारियों ने अक्सर कहा है
कि मराठा में उच्च जाति नहीं है बल्कि मूल रूप से कुणबी यानी कि कृषि समुदाय से जुड़े थे। मौजूदा स्थिति की बात करें तो मराठा समुदाय महाराष्ट्र की आबादी में लगभग 31% है। यह एक प्रमुख जाति समूह है लेकिन फिर भी समरूप यानी एक समान नहीं है। इसमें पूर्व सामंती अभिजात वर्ग और शासकों के साथ साथ सबसे ज्यादा वंचित किसान शामिल हैं। राज्य के अक्सर कृषि संकट, नौकरियों की कमी और सरकार के अधूरे वादों का हवाला देते हुए आंदोलन किया है। 2018 में महाराष्ट्र विधानमंडल से मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण का प्रस्ताव वाला एक विधेयक पारित किया गया। विधेयक में मराठा समुदाय को सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया। विधानमंडल में पारित होने के बाद मराठा आरक्षण का मामला अदालती हो गया। जून 2019 में बंबई उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा लेकिन सरकार से इसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार 16% से घटाकर 12% से 13% करने को कहा। इस आरक्षण को बड़ा झटका तब लगा जब मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया और कानून को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि मराठा आरक्षण 50% सीलिंग का उल्लंघन कर दिया गया था। अगली खबर, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रेट याचिका दायर की है। केरल सरकार को आरोप है कि राज्यपाल कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। याचिका में कहा गया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास 8 विधेयक लंबित हैं जिन्हें राज्य विधानसभा में पारित कर दिया गया है। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक भेजे गए थे लेकिन राज्यपाल उन्हें मंजूरी नहीं दे रहे हैं। आरोप है कि 3 विधेयक बीते 2 सालों से राज्यपाल के पास लंबित पड़े हैं। याचिका में केरल सरकार की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को निर्देश दे कि वे समय से विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी दे दें। याचिका के अनुसार सभी विधेयकों को समय से मंजूर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए राज्यपाल बाधित हैं ताकि लोगों के हित में जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हो सके। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल हो रहे हैं। जो विधेयक राज्यपाल से लंबित हैं उनमें राज्यपाल को सरकारी विश्वविद्यालयों के चांसलर पद से हटाने का विधेयक भी लंबित है। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास शक्ति है कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास रोक सकते हैं। अगर यह वित्त विधेयक नहीं है तो राज्यपाल इन विधेयकों को फिर से विधानसभा के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर विधानसभा फिर से इन विधेयकों को पास कर देती है तो राज्यपाल इस विधेयक को अपने पास नहीं रोक सकते। अप्रैल 2023 में अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को जल्द पास करने का निर्देश भी दिया था। अगली खबर, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन संशोधन मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी बुलाया गया था, मैं अंदर जाकर आया था। महाराष्ट्र के कई मंत्री जाकर आए हैं, पश्चिम बंगाल के 2 मंत्री भी गए हैं। बीजेपी की यही मंशा है कि पूरे विपक्ष को जेल में डाल दो और वह चुनाव लड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर उसे अपना नोटिस वापस लेने की मांग भी की है और दावा किया है कि ये गैरकानूनी व राजनीति से प्रेरित है। तो वहीं अशोक गहलोत ने भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय समन भेजाने पर कमलनाथ ने रिएक्शन दिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के समन भेजे जाने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने भी अपना रिएक्शन दिया है। कमलनाथ से सवाल किया गया था कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल का कहना है कि इन समनों के जरिए बीजेपी उन्हें चुनावी राज्यों से प्रचार करने से रोकना चाहती है। इस पर कमलनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है लेकिन अगर वे ऐसा कह रहे हैं तो बात सही है क्योंकि चुनाव तो चल ही रहा है। अगली खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही गुरुवार को ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं लेकिन दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी आपके बीच आरोप प्रत्यारोप का मंच चल रहा है। इस बीच दिल्ली के बीजेपी नेता और पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीक खुराना ने दिल्ली के सीएम पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि सीएम साहब आप इधर उधर मत करो, 338 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का जवाब दो। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने अपने पोस्ट एक्स में लिखा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी से पूरी उम्मीद थी कि वे आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे और डरकर भागेंगे, हुआ भी वही। सीएम साहब कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव प्रचार में शामिल होने से रोकने के लिए यह काम करवा रही है। ईडी की ओर से जारी नोटिस गैरकानूनी है। अपने पोस्ट में हरीश खुराना ने आगे लिखा कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी आप इधर उधर की बात ना करें, 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रोल का जवाब दें। आपको ईडी के बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, चुनाव होने का मतलब आपको घोटाले का लाइसेंस नहीं मिल जाता।
आप कब तक भागोगे केजरीवाल साहब, एक ना एक दिन तो आपको ईडी के सामने हाजिर होना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।